नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस विभाग में छुट्टी लेने का बदला नियम, आयुष्मान कार्ड बनवाने की बड़ी अंतिम तारीख, दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी, पोर्टल में हुआ सुधार, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा, संजू सैमसन ने खराब प्रदर्शन से सभी को किया निराश। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जल्द बिहार में 1.60 लाख पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल जल्द ही चौथे चरण के तहत 1.60 लाख शिक्षक के पदों पर विभाग भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर जल्द ही विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। इस 1.60 लाख शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों के 25,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने की संभावना जताई जा रही है। कंप्यूटर शिक्षकों के पद के अलावे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, गणित और भाषा विषय के पदों पर भी अच्छी खासी भर्ती हो सकती है। पहले शिक्षक अभ्यर्थी केवल 3 बार ही परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने की बड़ी अंतिम तारीख। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन अब इस आखिरी तारीख को बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया है। इस विशेष अभियान के तहत मंगलवार को करीब 800 जगहों पर कैंप लगाए गए। इस कैंप के जरिए करीब 14,677 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पटना के DM ने भी अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया है। यदि आप किसी कारण से इस कैंप में जाकर आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना होगा या वेबसाइट https://beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा। फिर इसमें मांगी जा रही सभी सूचनाओं को भरना होगा, फिर आप आसानी से घर बैठे भी आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हैं। पुलिस विभाग में छुट्टी लेने का बदला नियम। बिहार में पुलिस विभाग में छुट्टी लेने के तरीके में बदलाव हुआ है। यह बदलाव छोटे से बड़े अधिकारियों और सिपाही सभी के लिए हुए हैं। सिपाही और या बड़े अधिकारी छुट्टी लेने के लिए इन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले वे पेन और पेपर के जरिए आवेदन देकर छुट्टी लेते थे, लेकिन पुराने तरीकों में बदलाव कर इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। 1 अगस्त से यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। हालांकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह 10 दिनों के ट्रायल मोड पर रहेगा। यदि नई व्यवस्था के तहत सब कुछ ठीक रहा, तो आगे भी इसे नियमित तौर पर लागू कर दिया जाएगा। छुट्टी लेने के यह नई व्यवस्था HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लागू होने जा रही है। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग में पारदर्शिता बनाए रखना। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। दाखिल खारिज के आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी, पोर्टल में हुआ सुधार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में सुधार किया है, क्योंकि बिना रयत के पक्ष दाखिल खारिज के मामले को स्वीकृत करने की कई शिकायतें सामने आ रही थी। पोर्टल में सुधार के बाद अब रयत के पक्ष को शामिल किए बिना किसी आवेदन को रद्द करना संभव नहीं होगा। सॉफ्टवेयर खुद ही इसे रोक देगा। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने भी सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारी ध्यान दें कि दाखिल खारिज को सुविधापूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए बदलाव का पालन हो रहा है या नहीं। आपको बता दें कि रयत का पक्ष जानने की अनिवार्यता स्वीकृति के केस में पहले भी थी, लेकिन अंचल अधिकारी सॉफ्टवेयर में विकल्प नहीं रहने के कारण सीधे किसी आवेदन को अस्वीकृत कर देते थे।
बिहार के हर प्रखंडों कस्बों तक चलेगी बसें। परिवहन विभाग ने की अनोखी पहल। बिहार के हर मार्ग पर परिचालन सेवा करेंगे दुरुस्त, जिससे शहर से लेकर ग्रामीणों के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक रास्ता सक्षम हो जाएगा, जिसके तहत जिला मुख्यालय से गांव-गांव के लिए गलियों तक चलेगा बस सेवा। इस बस सेवा के माध्यम से संपर्कता तार जुड़ेगा। बस परिचालन सुदूर इलाकों से शहरों, जिला मुख्यालय से हर निकटवर्ती स्थानों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए राज्य में हर परिवहन मार्गों की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद यह बसों का परिचालन यहां किया जाएगा। परिवहन विभाग इस कार्य के संबंध में योजना तैयार की है। इस कार्य की शुरुआत कैबिनेट में बिहार में बसों के खरीद की योजना को मंजूरी देते हुए मिली, जिसके तहत कस्बों तक बस परिवहन योजना को जोड़ने की बात की गई। इस योजना के तहत कस्बों की आबादी कितनी है, कितने लोग सफर करते हैं, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा के एडमिट कार्ड के लिए एक्टिव हुआ लिंक। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा के एडमिट कार्ड के लिए एक्टिव हुआ लिंक। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की री एग्जाम होने वाले हैं। इस परीक्षा के तहत 21,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती यानी CSBC ने लिखित परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। आज यानी 31 जुलाई को पर्षद द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है जो 7 अगस्त की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। CSBS ने इस संबंध में बताया कि जिन उम्मीदवारों को 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त परीक्षा तिथि आवंटित हुई है, उन्हें प्रवेश परीक्षा क्रमशः 4 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त को जारी किए जाएंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र csbc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शराबी को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी तस्करों के हौसले बुलंद है। लगातार शराब की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और ताजा मामला पटना के सटे इलाके से सामने आया है। दरअसल पंडारक प्रखंड के बाढ़ शहरी सरमेरा पथ पर गोंदी गांव में पुलिस शराबी को पकड़ने गई तो यहां पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया गया। कई लोगों ने शराब पीने वाले आरोपी को छुड़वाने के लिए मध्य निषेध विभाग के टीम पर रोड़ेबाजी और हवाई फायरिंग तक कर दी। भीड़ और आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए पुलिस ने भी इस दौरान एक राउंड हवाई फायरिंग कर दी। इस मामले में पंडारक थाने में अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार आजाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 50 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने बताया कि शराब पीने के आरोप में जिन युवक को गिरफ्तार किया गया है वह किसान है। खेत में खाना पहुंचाकर वह लौट रहा था तो पुलिस ने उसे शक के आधार पर पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीण वहां जुट गए और उसे छुड़वाने का प्रयास करने लगे। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने ग्रामीणों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। डॉक्टर के अकाउंट से 86 लाख रुपए उड़ा ले गए साइबर अपराधी। समस्तीपुर उजियारपुर थाना क्षेत्र से चिकित्सक के बैंक अकाउंट से साइबर अपराधियों द्वारा करीब 86 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित डॉक्टर महेश्वर प्रसाद चौरसिया ने साइबर थाना में आवेदन देकर शिकायत की है। पीड़ित को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में साइबर अपराधियों ने निवेश का प्रलोभन दिया था। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप का विज्ञापन देखा था, जिसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में जुड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप में निवेश करें। इस ऐप के माध्यम से 10 जून को उन्होंने शेयर में निवेश करना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग कारण बताकर ऐप के माध्यम से निवेश की गई।
राशि को निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके द्वारा लगाया गया करीब 46 लाख रुपए फंस गए। इस मामले को लेकर साइबर पुलिस ने बताया कि आवेदन के आलोक में मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा। बिहार के लाल दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की गुत्थी सुलझे, इसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अब तक इंतजार में बैठे हैं। लेकिन इस केस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस से एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल इस केस में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ दायर हुई पीआईएल पर सुनवाई 31 जुलाई को चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की अगुवाई में होगी। सुनवाई में सीबीआई और राज्य पुलिस को पहले की हुई तमाम जांच रिपोर्ट को पेश करना होगा। मामले में हुई जांच के बारे में हाई कोर्ट को भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लिटिगेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद खान पाठन के सितंबर 2023 में मामले में याचिका दायर की थी। याचिका दायर के बाद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर एक्शन में आए। जानकारी के लिए बता दें आपको, सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 में हुई थी। ठीक 6 दिन पहले दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी। दोनों के मौत के पीछे साजिश बताया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। पटना के कई कोचिंग में सुविधाओं की कमी, जांच में हुआ खुलासा। पटना कोचिंग संस्थानों का हब माना जाता है। पटना के कोचिंग संस्थानों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं, लेकिन आलम यह है कि कई ऐसे कोचिंग संस्थानों का खुलासा हुआ जहां बच्चों को मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। दरअसल दिल्ली स्थित कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से छात्र छात्राओं की मौत के बाद पटना प्रशासन एक्टिव हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर पटना में उपस्थित सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जा रही है। हालांकि मंगलवार को पटना सदर, दानापुर, पटना सिटी बार्ड मसौढ़ी के एसडीओ द्वारा जांच की गई। एसडीओ प्रदीप कुमार सिंह ने यह सुनिश्चित करते हुए बताया कि दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में मौजूद कोचिंग संस्थानों में सगुना मोड़, बेली रोड और गोला रोड के कोचिंग संस्थानों में जांच की गई। इस दौरान कई जगहों पर उपस्थित कोचिंग संस्थानों में कई कमियां दिखी, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिखा, जैसे कि कोचिंग में बेसमेंट, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, बाहर निकलने और प्रवेश करने की सुविधा नहीं दिखी। जानकारी के लिए बता दें आपको, डीएम चंद्रशेखर ने अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 6 टीम गठित की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेटी ने अर्निस चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय अर्निस चैंपियनशिप में बिहार की बेटी अंशु ने फिलीपींस में अपना झंडा गाड़ भारत को गौरवान्वित किया है। यह प्रतियोगित फिलीपींस में 22 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक अपने नाम किया। मेडल जीतने के बाद जब अंशु फिलीपींस से पटना पहुंची तो पटना एयरपोर्ट पर सभी ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान अंशु ने बताया कि उन्होंने वादा किया था कि इस बार वे गोल्ड जीत कर आएंगी। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वहीं अंशु के कोच संजय कुमार ने बताया कि इस बार देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। बिहार सरकार से अंशु ने आर्थिक मदद की मांग भी की है ताकि उन्हें और अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिल सके। देश के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के मामले में बिहार पुलिस है 5वें स्थान पर। बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। देश में सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस फॉलोअर्स के मामले में 5वें स्थान पर आई है। बिहार के सभी विभागों में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बिहार पुलिस के पास है। वहीं देश भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर बिहार के आगे यूपी जो पहले स्थान पर है, 2रे स्थान पर केरल, 3रे स्थान पर महाराष्ट्र और 4थे स्थान पर दिल्ली है। इन तीनों की प्लेटफॉर्म पर बिहार पुलिस के फॉलोअर्स की संख्या करीब 13,07,499 है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार पुलिस के बाद बिहार बोर्ड 2रे स्थान पर बना हुआ है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 3रे, स्वास्थ्य विभाग 4थे और पर्यटन विभाग 5। IIT पटना में एडमिशन लेने के लिए
27 राज्यों के छात्र हुए सक्सेसफुल। हर साल लाखों की संख्या में बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। इस साल भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 27 राज्यों से बच्चे आईआईटी पटना में नामांकन लिए हैं। आईआईटी पटना में नए छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया जाएगा। 2024-25 में नामांकन दाखिल किए हुए छात्र के लिए 3 दिवसीय इंडक्शन मीट का कार्यक्रम रखा गया है। इस साल 797 छात्रों ने जी एडवांस 2024 के माध्यम से आईआईटी पटना में नामांकन लिया है। 797 छात्रों में से 151 छात्राएं और 646 छात्र 27 राज्यों और केंद्र शासित से पटना आईटी में नामांकन लिए हैं। इंडक्शन मीट का कार्यक्रम में 11 बीटेक ब्रांच, 1 बीएस, 8 बीटेक एमटेक और 12 बीटेक एमबीए वाले बच्चे शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। नीट पेपर लीक हुए कांड पर अभी भी जांच जारी है। सीबीआई के तरफ से बिहार में जुड़े पेपर लीक अपराधियों को धर दबोचने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों का जल्द एडमिशन लिया जाएगा। बिहार के कई मेडिकल कॉलेजों में नीट पास किए बच्चों को एमबीबीएस में दाखिल लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंजीकृत करने का डेट जल्द वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 85% खाली सीटों के तहत 200 एमबीबीएस सीटें बढ़ाए जाएंगे और इन पर एडमिशन लिया जाएगा, लेकिन अभी 2 कॉलेजों में दाखिल लिया जाएगा जिनमें समस्तीपुर और सारण होगा, लेकिन सीटों की संख्या प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद को नहीं मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कुल पिछले वर्ष के मुताबिक 1490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस की सीटें हैं। हालांकि समस्तीपुर और सारण के कॉलेजों में 100-100 सीटों का नामांकन होगा। कुल एमबीबीएस और बीडीएस मिलकर 1630 सीटें हैं। वहीं नामांकन के क्रम में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2024 के रैंक द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए है। वहीं 15% अखिल भारतीय कोटा, एम्स संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डिम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC मेडिकल कॉलेज, AFMC पुणे तथा सेंट्रल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है, जिसमें 14 से 16 अगस्त तक पंजीयन की प्रक्रिया की जाएगी। संजू सैमसन ने खराब प्रदर्शन से सभी को किया निराश। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाज संजू सैमसन डक पर आउट हो गए। डक पर संजू सैमसन लगातार दूसरी बार आउट हुए हैं, जिस वजह से उन्हें बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अपने खराब प्रदर्शन से संजू सैमसन लगातार भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर को भी निराश कर रहे हैं। संजू सैमसन के पास 3 T20 मैचों की सीरीज में खुद को साबित करने का अच्छा मौका था, हालांकि इन्होंने यह भी गंवा दिया। बारिश की वजह से खेल भी 1 घंटे लेट शुरू हुआ। इस दौरान भारत और श्रीलंका के तीसरे T20 मैच में भारत टॉस भी हार गई, जिस वजह से टीम को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया ने 14 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार गुप्ता, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, पशुपति पांडे, रणजीत मिश्रा, छोटू राजा, जितेंद्र ठाकुर, अजीत कुमार, सुशील मोदी, मोहम्मद शाकिर हुसैन, विनोद शाह, मोहम्मद असगर कमाल, विजेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में खिलाड़ियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।